बीजेपी ने नई संसद के पहले ही सत्र में महिला आरक्षण बिल को पास कराकर यह जता दिया था कि उनकी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, मगर राजस्थान के चुनाव में उस महिला का जिक्र तक नहीं है जिन्होंने एक समय में राजस्थान की बागडोर संभाली थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी का बड़ा चेहरा है, वो महिला भी है, मगर बीजेपी की ओर से उन्हें चर्चा में नहीं रखा गया है। तो फिर सवाल तो उठेंगे ही कि क्या बीजेपी ने वसुंधरा राजे को किनारे लगा दिया है? चलिए पड़ताल करते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। वसुंधरा राजे साल 2003 से हर 5 साल बाद प्रदेश भर में यात्राएं निकालती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वसुंधरा राजे ने कोई यात्रा नहीं निकाली। खास बात तो यह है कि बीजेपी ने जरूर 4 दिशाओं और 4 इलाकों में सामूहिक यात्राएं निकाली। यहीं से कयास लगने लगे कि बीजेपी इस बार राजस्थान में वसुंधरा का चेहरा आगे नहीं करेगी। लेकिन इसके बाद जब पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे तब तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ ही बता दिया। चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ में हुई सभा में पीएम ने साफ कहा कि इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है कमल का। हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल है, इसीलिए एकजुटता के साथ कमल को जिताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता काम करे। और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है और हम इस कमल के नेतृत्व में कमल के निशान से राजस्थान का भाग्य भी तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। अब सवाल बनता है कि बीजेपी ने राजस्थान में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बनाया है, इसके पीछे क्या वजह है? और भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी? ऐसा हुआ तो क्यों हुआ? वसुंधरा राजे की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या यह स्थिति बीजेपी के पक्ष में जाएगी? क्या इस स्थिति का बीजेपी को नुकसान हो सकता है? वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी की कमान 2003 में मिली थी। वसुंधरा राजे ने तब अपना जलवा दिखाया था, तब राजस्थान बीजेपी में गजब का उत्साह था। समय के साथ वसुंधरा का कद बढ़ता गया और 2013 में तो कमाल ही हो गया। 2013 में 200 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 163 सीटें जीत ली। सारा क्रेडिट वसुंधरा राजे को गया। इस बार चुनावी समर शुरू होने से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा को चेहरा नहीं बनाया जाएगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने जो यात्राएं की उनमें कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी पार्टी को अब नई पीढ़ी के हाथ में देने के लिए तैयार है। एक ऐसी टीम बनाई जा रही है जो 2047 में पार्टी को अद्भुत कामयाबी दिलाए, और इसके लिए जो चेहरे तय किए जा रहे हैं वो अगले 25 सालों के लिए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा राजे को आगे ना करने से बीजेपी को नुकसान होगा? तो जानकारों की माने तो राजस्थान के लोग राजस्थान में वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। इस तरह से अगर वसुंधरा के समर्थकों ने यह समझा कि उनकी उपेक्षा हुई है तो जाहिर तौर पर नुकसान होगा। लेकिन एक बात और है, कई ऐसे नेता जो वसुंधरा राजे को समर्थन देते हैं और जिन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया था, अब उन सब की पार्टी में वापसी हो रही है। यानी बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वसुंधरा के कहने पर ही उनके समर्थकों को पार्टी में लिया जा रहा है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि क्या वसुंधरा का चेहरा आगे ना करना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि हो सकता है कि बीजेपी को लगता हो कि राजस्थान का चेहरा आगे करने के बजाय मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि मोदी का मैजिक ज्यादा जबरदस्त साबित हो सकता है। आपके इस टॉपिक पर क्या थॉट्स हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।